10 और इन्हें स्टार्ट करने के लिए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके तमाम पार्ट्स का हम सॉल्व करना सीखेंगे। उसमें हमारे सिंपल क्या है कि हमारे पास कुछ कंडीशन है उसको हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर आना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। इसमें हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास कंडीशन आने से क्या करें सिंपल एक सिंगल कंडीशन में लेकर आना है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर आना है। तो ये हमारे पास स्क्वायर वाले ये हमारे पास दो दो हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैंने क्या किया दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। तो अब हम यहाँ पे चाहें तो टेन थीटा पुट कर सकते हैं इनकी जगह टेन थीटा। अभी दोनों दो सेम है मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास पहले आ जाएगी। हमारे पास हमारा आंसर आ गया। हमारे पास क्या गया दो डिफरेंट वैल्यूज उनका हमने क्या किया सिंगल एक सिंगल फॉर्म में ले आए फिर हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब इसके पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास है टेन एक्स साइन एक्स सिकेंड एक्स। अब एक्स हमारे पास बेसिकली जो है थीटा की जगह यूज़ हुआ हुआ है। अब हमें इससे भी एक सिंगल फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे टेन और सिकंड को इनकी सिंगल फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब टेन हमें पता है हमने अभी भी ये फॉर्मूला पढ़ा साइन बाय कॉस का। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। सिकंड हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय कॉस एक्स के। तो अगर हम चाहें तो ये मल्टीप्लाई कर लें इसको तो आ जाएगा साइन एक्स यहाँ पास एक्स था मैंने फिर थीटा डाल दिया बाई मिस्टेक साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये फिर से हमारे पास टेन का ही फॉर्मूला बन रहा है तो ये टेन एक्स आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ये वापस हमारी वैल्यू आएगी सिंपल फॉर्म में। अब नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेकंड एक्स। अब ये हमारे पास है हम चाहें तो यहाँ पे टेन और सेकंड को इनकी सिंगल फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसको भी एक सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हमें पता है टेन हमारे पास होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स ए के इक्वल और सेकंड एक्स हमारे पास इक्वल होता है यदि हम इसको एज ले लेते हैं सेकंड एक्स। अब हम इसको अगर सेपरेट करके लिखें या हम पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं तो हमें मालूम है कि कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाय सेकंड एक्स से इक्वल होता है। तो ये देखें अगर इसको इस तरह लिख लें या 1 बाय सेकंड एक्स लिख लें सेम वैल्यू बन जाती है। तो हम इस तरह लिख लेते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स डॉट डॉट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का शो होकर है इसकी जगह आ रही है हमारे पास कॉस एक्स। ये हमारे पास कटिंग आ रही है सिंपल हमारे पास आ गई सिंपल साइन एक्स ही हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है। तो उसमें हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास हमारी गिवन वैल्यू है तो इसमें अब हमने क्या करना है अब हमारे पास ये कॉस एक्स तो किसी के इक्वल नहीं होता ये तो सिंपल वैल्यू हमारे पास है। हमने 1 के साथ इसका कुछ करना है कि हम यहाँ एडिशन सबट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास सिंगल फॉर्म आ जाए। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम चाहें तो 1 की जगह तमाम वैल्यू इसको पुट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर वही करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो ये वाली वाली चैलेंज हमारी निकली तो देखें प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा सिंपल हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी हमारा पास हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये हमारे पास हमारी वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर सेकंड की वैल्यू पुट करनी है तो सेकंड की जगह जिसका अगला फॉर्मूला बनता है हमारा
हमारे पास दो तरह के यहाँ सीकेंट में फॉर्मूले बनते हैं। एक हमारे पास होता है सीकेंट कोस स्केयर एक्स इजिकल टू वन बाई सीकेंट स्केयर एक्स होता है, तो हमें पता तो चल रहा है ये हमारे पास वन बाय तो होता तो हम यहाँ पे कॉस पुट करते हैं, यहाँ वन बाय नहीं ये सिंपल सीकेंट है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है वन प्लस टेन स्केयर एक्स इजिकल टू होता है हमारे पास सीकेंट स्केयर एक्स के, तो हम इसकी जगह ये तमाम वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो हमारे पास रहेगा वन प्लस टेन स्केयर एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस वन कट हो जाएगा, सिंपल टेन स्केयर एक्स हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर सिक्स हम कर लेते हैं जो कि हमारे पास है साइन स्केयर एक्स डॉट कोट स्केयर एक्स। अब हमें मालूम है कि कोट हमारे पास टेन का इन्वर्स होता है और कोट हमारे पास मतलब इक्वल हो जाएगा कोस स्केयर एक्स बाय साइन स्केयर एक्स, क्योंकि हमारे पास टेन जो है वो साइन बाय कोस के इक्वल होता है तो कोट उसका इन्वर्स होता है, तो हमारे पास आ जाएगा कोट कोस बाय साइन। तो हम यहाँ पुट करते हैं साइन स्केयर एक्स डॉट कोस स्केयर एक्स बाय साइन स्केयर एक्स, ये इसे कट हो जाएगा, इस पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोस स्केयर एक्स की। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर वन के तमाम सिक्स पार्ट्स की जल्दी समझ आ गए होंगे। अगर आप अभी भी कोई इशू होता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं आपके इशू को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।